तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मीशो एप्लीकेशन से फर्स्ट आर्डर हम कैसे करेंगे। दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं तरह तरह की, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे से नहीं करते, कहीं एड्रेस भरने के बारे में नहीं बताते हैं, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो कर देते हैं, या कहीं हमको जो हमारा जिससे जो साइज वगैरह होता है सब भरने के बारे में नहीं बताते हैं। तो मैं सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा कि मीशो से फर्स्ट आर्डर आप कैसे करें, कैसे साइज सेलेक्ट करेंगे, कैसे अपना एड्रेस भरेंगे, कैसे पेमेंट करेंगे, यदि गाँव में रहते हैं तो किस तरह से ऑर्डर करेंगे, मैं सब कुछ इस वीडियो में तरीका बताऊँगा। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों सीख लेते हैं कि मीशो पर फर्स्ट आर्डर हम कैसे करेंगे। पूरा शुरू से लेके अंत तक मैं सब कुछ जानकारी इस वीडियो में दूंगा, और यदि आपको लगे कि आप मेरे वीडियो से कुछ सीखे हैं तभी मेरे वीडियो को आप आखिरी में लाइक करेगा दोस्तों, नहीं तो मत करेगा, वैसे आपकी मर्जी। मैं देर नहीं करूंगा, जल्दी से करूंगा वीडियो को स्टार्ट। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड जंक्शन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है रूपेश। दोस्तों आज चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना होगा, उसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से डाउनलोड करेंगे तो कुछ आपको मार्जिन भी मिल सकता है फर्स्ट ऑर्डर पे, नहीं तो दोस्तों आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी यहां पे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करना होगा, ओपन करेंगे तो आपको अपना नेट कनेक्शन वगैरह अच्छे से ऑन कर लेना है। मैं अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो मेरा वाईफाई यहाँ से कनेक्ट हो चुका है, हम यहाँ पे मीशो ऐप को दोबारा से करेंगे ओपन, और हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब थोड़ा सा वेट करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हमको दिखाई देंगे, हमको क्या करना है कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा लोडिंग लेगा और यहाँ पे डायरेक्ट हमसे यहाँ से हमारा फ़ोन नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ से हमारा फ़ोन नंबर ना पूछा जाए, और यहाँ पे यदि हम देख पा रहे होंगे यदि यहाँ से फ़ोन नंबर ना पूछा जाए तब भी आपको मैं अकाउंट यहाँ पे बनाने के बारे में बताऊँगा। तो जब से आपका अकाउंट नंबर फ़ोन नंबर पूछा जाए तो आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ से भर दीजिएगा, ठीक है। तो आई हम भर देते हैं, तो मैंने भर दिया और यहाँ से अब क्या करेंगे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे, ओटीपी आ चुकी है और हम यहाँ से ओटीपी अपना भर देंगे। देखिए वेरीफाई हो चुका, हम वेरीफाइड हो चुके हैं। अब यहाँ पे कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे, अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे, फिर अलाउ कर देंगे। अब हम यहाँ पे मीशो ऐप में लॉगिन हो चुके हैं, और यदि अकाउंट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हम अपने नाम से अकाउंट बना चुके हैं। यदि आपका वहाँ से मोबाइल नंबर भरने का ऑप्शन नहीं आया है, जैसे दोस्तों ऐप हमेशा एप्लीकेशन अपडेट होती रहती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है अकाउंट वाले बटन पे आइएगा, क्लिक करिएगा और यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा कहीं ऊपर जहाँ मेरा नाम दिख रहा है, तो लॉगिन या साइनअप का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके और आप अपना क्या करेगा मोबाइल नंबर डालेगा, ओटीपी आएगा, आप यहाँ से अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। अब आइए मेन बात की तरफ बढ़ते हैं कि हम ऑर्डर कैसे मीशो पर फर्स्ट वाला ऑर्डर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, नीचे यदि आप देखोगे तो एक ऑप्शन दिखेगा कैटेगरी का, यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो तरह तरह की कैटेगरी आपको दिख जाती हैं, जैसे साड़ी है, कुर्ती है, सूट है, ड्रेस है, कुर्ता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। इधर देखें तो पॉपुलर है, फिर ओमेन्स का सामान है, ओमेन वेस्टर्न है, मेन है, किड्स है, तरह तरह की कैटेगरी आ जाती है। तो आप यहाँ बहुत आसानी से मतलब सामान वगैरह इस तरह से यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये पहला तरीका है दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको यहाँ से पसंद आता है तभी मैं बताऊँगा ऑर्डर करने की बात, और यदि आप चाहते हैं कि अपने मन अनुसार सर्च करें तब आपको क्या करना है, इस होम वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च बाय कीवर्ड और प्रोडक्ट आईडी लिखा है इस पर आपको टैप करना है। जैसे मान के चलिए हमको चाहिए यहाँ पे कोई भी कपड़ा चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको चाहिए टी शर्ट, तो टी एस एच आई आर टी, टी शर्ट फॉर मैन या वुमेन जो भी चाहिए आप यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। टी शर्ट फॉर मैंने मैन कर दिया, तो सर्च किया तो देखिए बहुत सारे टी शर्ट हमको दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। इसी तरह से आपको जो भी सामान चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें चाहिए यहाँ से कुर्ती, तो मैंने लिख दिया कुर्ती, ठीक है, मैंने सर्च कर दिया, आगे बहुत सारी कुर्तियाँ आ गई। तो यहाँ पे जो भी कुर्ती आपको पसंद आए, जैसे मान लीजिए हमको थोड़ा सा ये वाली अच्छी लग रही है तो मैं इस पर टैप कर दूँगा। जैसे इस पर टैप करेंगे तो बहुत सारे इसके फ़ोटोज़ देखने को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इमेज आपको यहाँ से इनके मतलब इमेज यहाँ पे एक ही अपलोड किए हैं और सारे कस्टमर और ज़्यादा मतलब अपलोडिंग किए रहते हैं, तो जितना फोटो रहेंगे ऐसे देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से यदि आप कैटेगरी में मैंने जो पहला तरीका सर्च करने का बताया है वहाँ पे भी कोई प्रोडक्ट यदि आपको पसंद आता है उस पर टाइप करेंगे तो इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यदि नीचे यहाँ पर देखेंगे ना
तो बहुत सारे जो कस्टमर खरीदे हैं इस सामान को, वो अपना रिव्यू भी दिए रहते हैं, तो देख सकते हैं जो रिव्यू वगैरह है यहाँ पे, सब कुछ आप देख पा रहे हैं। तो जो ड्रेस पसंद है उसके फोटोज पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया तो नीचे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब बहुत सारे यहाँ पे देखिए जो कस्टमर खरीदे वगैरह हैं ड्रेस वगैरह, कुछ यहाँ पे फोटोज वगैरह भी साझा किए हैं, देख सकते हैं आप इस तरह से, ठीक ना। तो आइए हमको इसको ऑर्डर करना है, तो सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पे हमको यहाँ पे जैसे ही टाइप करके फोटो बड़ा साइज में देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो बाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है हमको, बाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही बाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहीं पे हमको साइज भरना रहता है कि मीडियम चाहिए कि लॉन्ग, कि एक्सेल, कि डबल एक्सेल। तो आपका जो कंफर्टेबल साइज हो वह ले लीजिएगा। जैसे मुझे एक्सेल बुक करना है तो हम एक्सेल पे क्लिक कर देंगे। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने यहाँ पे पेमेंट की तरफ हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको किस तरह से पेमेंट करना है, ऑनलाइन करना है, कैश ऑन डिलीवरी करना है, पेटीएम के थ्रू करना है, तो हमें कैश ऑन डिलीवरी करना है। तो सिंपल है, कैश ऑन डिलीवरी के बटन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में पूरी चार्जेस दिखाई दे जाएगी। देखिए मेरा प्रोडक्ट चार्ज है 509 रुपये, शिपिंग चार्ज 0 है, COD चार्ज 0 है और मैं फर्स्ट ऑर्डर कर रहा हूँ तो मुझे 100 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं। और एक क्यों मिल रहा है, मैंने आपको भी बताया ना कि मेरे लिंक से यदि आप डाउनलोड करोगे, मतलब ये जो एप्लीकेशन है, तो आप एक रेफरल कस्टमर हो जाओगे, तो आपको यहाँ से डिस्काउंट मिलता है। देखिए मैंने भी किसी के लिंक से किया है तो मुझे 100 रुपये यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, ये आप प्रूफ के तरह पर देख पा रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, प्रोसेस्ड वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसेस्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो 409 रुपये का ये सामान है आपका, तो यहाँ पर 409 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। नीचे वाले में भी कैश टू कलेक्ट फॉर कस्टमर, इसमें भी 409 लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अब आपको यहाँ से क्या करना है, पूरा डिटेल यहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे आपको प्रोसेस्ड वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसेस्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ से अपना नाम भरना होगा। जैसे मेरा नाम है रुपेश, तो मैंने यहाँ से रुपेश यादव, ठीक है, अपना नाम पूरा भर दिया। अपना मोबाइल नंबर भर दीजिएगा, मतलब जिसके घर आप भेज रहे हैं सामान उनका नंबर भर दीजिएगा। और नंबर भरने के बाद आपको क्या करना है, आई मैं बताता हूँ, ठीक है। तो नंबर मैंने यहाँ से भर दिया, ठीक है। अब फ्लैट हाउस नंबर या बिल्डिंग नंबर, तो फ्लैट हाउस या बिल्डिंग नंबर जो हो आपका डाल दीजिए। यदि नहीं भी है तब भी यहाँ पे, जैसे गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो कुछ भी 65 70 कुछ भी वैसे डाल दीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि वो तो फ़ोन करेंगे ही और गांव में मकान नंबर अभी होता नहीं है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर कुछ भी डाल दीजिए। स्ट्रीट कलोनी, तो अपनी यहाँ पर स्ट्रीट मतलब गली या कलोनी होता है, तो अपने गाँव का नाम डालिए। यदि गाँव से तो गाँव का नाम, नहीं तो शहर वगैरह से तो अपने कलोनी वगैरह का नाम डालिएगा। तो मैंने डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे डाल दिया। अब पिन कोड डाल दीजिए, तो मेरा पिन कोड जो है मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ। और यहाँ सिटी डालिएगा, सिटी आपकी जो ज़िला वगैरह हो या नज़दीकी जो शहर हो उसका नाम डालिएगा। स्टेट में जाके आप अपना स्टेट ले लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट हो। मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश ले लेता हूँ। लैंडमार्क ये ऑप्शनल होता है, ये क्या होता है, जैसे आपके आसपास पेट्रोल पंप वगैरह हैं या हॉस्पिटल वगैरह है तो आप यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है, कि ताकि वहाँ पर वो आएगा डिलीवरी बॉय तो आपको कॉल कर देगा। लैंडमार्क मतलब यही होता है, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पे योर डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, सेम एज एब डिटेल, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू वाले बटन पे आप क्लिक करिएगा, ठीक है। कह रहा है कुछ इधर आ रहा है, तो यहाँ पे इधर हमारा यह है कि हमारी जो यहाँ पे कॉलोनी है ये पूरा अच्छे से नहीं मैंने लिखा है, ये अच्छे से लिख दूँगा, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, फ्लैट हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम, बिल्डिंग का नेम कोई दे दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जैसे 65, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ रुस्तम, रुस्तम, ठीक है। आप कुछ भी अपने अनुसार यहाँ पे दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कॉल तो करेगा ही, गांव से हैं तब, यदि शहर से हैं तो अच्छे से भर दीजिएगा। फिर सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे देखिए आपका पूरा डिटेल फाइनल पेज आ चुका है। यहाँ पे एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पूरा डिटेल वगैरह देख के प्लेस ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ से आप देख सकते हो। अब आपका जो सामान है वो आपके घर तक आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका ऑर्डर हो चुका है, देखिए कंग्रेचुलेशन का मैसेज वगैरह भी आ गया। और अब आपको क्या करना होगा, आप यदि ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे होते तो ऑनलाइन भी कर लिए होते। अब अपना सामान कैसे ट्रैक करेंगे, तो आप यहाँ पे ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और आपका सामान यहाँ से दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करोगे और नीचे आओगे और शो मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑर्डर वगैरह ट्रैक कर पाएंगे, कहाँ तक आया है, कैसे कैसे क्या है। तो अभी मैंने ऑर्डर किया तो कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद इसमें अपडेट आ जाएगी, आप भी इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।